डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का सैम्पलिंग थ्योरम। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का थर्ड यूनिट है तो हम लोग पहले स्टेटमेंट देखें सैम्पलिंग थ्योरम का डिजिटल कम्युनिकेशन में आएगा ये क्या स्टेटमेंट अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैम्पल्स एंड रिकवर्ड बैक इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल एफ एम एफ एस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू एफ एम किसी भी मैसेज सिग्नल को हम सैम्पल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं हम फिर से मैसेज सिग्नल में यानी हम एनालॉग से डिजिटल और फिर डिजिटल से एनालॉग एक किसी भी मैसेज सिग्नल को हम उसके सैंपल्स में ब्रेक कर सकते हैं और सैंपल्स को फिर से हम मैसेज सिग्नल में रिकवर कर सकते हैं लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी मीन्स सैम्पल्स पर सेकेंड इफ एफ एस इज फ्रिक्वेंसी देन इट मीन्स एफ एस सैम्पल्स पर सेकेंड मीन्स सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू एफ एम मैसेज की जो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके ट्वाइस से इक्वल हो या उसे ग्रेटर दें तो ये हमारी जो है वो स्टेटमेंट है सैम्पलिंग थॉरम का टू प्रूव द सैम्पलिंग थ्योरम कंसीडर अ सिग्नल जी टी हुज स्पेक्ट्रम इज़ बैंड लिमिटेड टू ओमेगा सोफिक्स में एम है हर्ज हम एक ऐसा मैसेज सिग्नल लेते हैं जो बैंड लिमिटेड है और वो बैंड लिमिटेड कहाँ तक है ओमेगा एम तक बैंड लिमिटेड का मतलब है जो पूरा बैंड है फ्रिक्वेंसी का वो प्लस ओमेगा एम से माइनस ओमेगा एम तक डिस्ट्रीब्यूट है द यूनिफार्म सैम्पलिंग कैन बी अचीव्ड बाई मल्टीप्लाइंग जी टी बाई एन इम्पल्स ट्रेन डेल टी एस एट द टाइम टी हम आपको यूनिट इम्पल्स और कई सारे फंक्शंस के बारे में बता चुके हैं गेट फंक्शन यूनिट इम्पल्स उनका यहाँ पर यूज़ हो सकता है कुछ फिगर हैं उनको देखेंगे ये हमारा मैसेज सिग्नल है कोई भी मैसेज सिग्नल को हमने जी से रिप्रेजेंट किया है ये टाइम है इस एक्सिस पर उसी को हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन में बैंड लिमिटेड हमारा सिग्नल है बैंड इसका कहाँ तक है हमने टू दोनों स्केल पर ले लिया दीज आर टू स्केल्स दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्वेंसी एफ एंड दिस स्केल रिप्रेजेंट्स द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा दिस मैसेज इज बैंड लिमिटेड मीन्स हियर इज द फ्रिक्वेंसी एफ एम आर ओमेगा एम मीन्स टू पाई एफ एम एंड हियर इज द फ्रिक्वेंसी माइनस ओमेगा एम आर माइनस एफ एम Therefore, we can say that this message signal is band-limited. Means it has the limits on its band, on its distribution. Okay, this is the message signal. We want to sample it. We want to distribute in its samples. Then we multiply by the pulse strain impulse train, impulse train. ये हमने इम्पल्स ट्रेन एक बना लिया डेल्टी एस हमने इम्पल्स के बारे में आपको बता दिया था इंपल्स सिग्नल क्या होते हैं डेल की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई हैं तो जब मैसेज सिग्नल को हम पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं उसका सिंपल हमने फिगर आपको दिखाया मल्टीप्लायर सैम्पलर एंड जी टी इज मैसेज मैसे सिग्नल एंड टी इज द पल्स ट्रेन देन वी गेट द सैंपल्ड सिग्नल जी बार टी This is the process. This signal represent the sampled signal, message signal multiplied by pulse train. Pulse train. Then we get sampled signal. Sampled signal having both message signal, but sampled at the rate of frequency appears. एंड टू सैम्पल्स हैविंग द डिस्टेंस ए टाइम डोमेन इक्वल टू टी एस व्हाट इज टी एस टी एस जो है हमारा जो इम्पल्स ट्रेन थी उसमें दो इम्पल्स के बीच का टाइम था उसे हमने टाइम इंटरवल बोला दो इम्पल्स के बीच का तो उतनी डिस्टेंस पर सारे हमको सैंपल मिल रहे हैं इसका अगर हम रिवर्स कर दें वन वाई टी एस देन वी फाइंड द रेट एट विच द सैंपलिंग डन जिस रेट से सैम्पलिंग हुई है वो हमको मिल जाएगी रेट तो अगर इसका हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में इक्विवेलेंट देखें तो देखिए कि हमको इस तरह से ये सैम्पलिंग मिलती है एक जो हमारा सैंपल है वो ए सैंपलिंग हमारी एक से एक की हो रही है लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल का जो बैंड लिमिटेड है वो ओमेगा एम है और दूसरा जो रेपिटीसन हो रहा है इम्पल्स जो भी हमारे हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी बैंड है उस दूसरे का जो रेपिटीसन है वो इससे क्लियरली अलग हो अब मान लिया कि ये जो हमारा बैंड है इसका मिडिल पॉइंट ओमेगा एस फ्रिक्वेंसी का है और ये बैंड लिमिटेड है ओमेगा एम तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ओमेगा यहाँ से यहाँ तक ओमेगा एस है यहाँ से यहाँ तक ओमेगा एम देन उमेगा सब्ट्रैक्ट ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम देन दिस डिस्टेंस विल रिमेन दिस दिस ओमेगा माइनस एम ईफ ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इज लेस देन ओमेगा एम देन दिस बैंड ओवरलैप टू दिस बैंड देयर फोर द कंडीशन यू रीड ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एम ओके देंपल्ड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ इम्पलसेज जो सैंपल्ड सिग्नल है उसमें क्या है इम्पल्स हैं एट द इंटरवल ऑफ टी एस ये जो सैम्पल्ड सिग्नल है इसमें टी एस के इंटरवल से सैम्पल हैं वही टी एस इंटरवल है जो कि इम्पल्स ट्रेन में था सेकेंड सैंपलिंग इंटरवल इसको कहते हैं द एनथ इम्पल्स लोकेटेड एट टी इजल टू एन टी एस एक सैम्पल टी एस टाइम इंटरवल रखता है तो एन सैंपल कितना टाइम इंटरवल रखेंगे एन टी एस तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इन सैंपल की जी एन टी एस जीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था जी जो है हमारा मैसेज सिग्नल के लिए है जी एंड टी द टाइम तो अगर एनथ सैंपल है तो उसका टाइम क्या हो जाएगा एन इन टी एस देन स्ट्रेंथ हो जाएगी जी और ए ब्रैकेट एन टी एस विच इज द वैल्यू ऑफ जी टी एट टी इज इक्वल टू एन टी एस टी इज इक्वल टू एन टी एस पर जो जी टी की वैल्यू है बी पुट टी इज इक्वल टू एन टी एस दे आर फोर सैंपल्ड सिग्नल जी वार इज़ इक्वल टू जी टी एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टी क्यों हम सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें से सिग्नल को इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया इस मल्टीप्लायर सैंपलर से जी टी इन डेल्टी देन यू गेट जी आर टी यू टू जी टी डेल्टी एंड यू गेट द मल्टीपल बैंड लिमिटेड सिग्नल्स आर यू कैन से यू गेट मल्टीपल सैंपल्स

इम्पल्स लोकेटेड एट टी इजल टू एन टी एस इम्पल्स पहले टीजल टू जीरो टी पे था अब इम्पल्स कहाँ है टी इजकल टू एन टी एस पे हम किस इम्पल्स के लिए किया है टी इजल टू मतलब एनथ इम्पल्स के लिए इट मीन्स इम्पल्स लोकेटेड एज टी इल टू एन टी एस नोट एड दैट पॉइंट टी इजकल टू एन टी एस बिकॉज द इम्पल्स ट्रेन डेल टी एस टी इज अ पीरियोडिक सिग्नल ऑफ़ पीरियड टी एस ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसमें ट्रेन है सिग्नल्स की उनका पीरियड क्या है टी एस टी एस के बाद फिर फिर वही सिग्नल रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम फ्रीअर सीरीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं रिप्रजेंट कर सकते हैं हैंस इट कैन बी एक्सप्रेस इन फुरियर सीरीज तो इस इम्पल्स ट्रेन का फ्रीयर एक्सपेंसन ए होगा इसको आप लोग याद कर लीजिए यू कैन रिमेंबर एंड डायरेक्टली यूज इट इन योर एग्जाम एंड इन योर एक्सप्रेशन हाव यूर वी हैव साल्व इट सेपरेटली एंड यू सी इट दिस इज द फ्रीयर सीरीज इल्ट इजल टू ए नाट प्लस कास्ट टर्म्स एन एंड साइन टर्म्स व्यू एन यू आर अवेयर वेरी वेल where constant n 0 is equal to 1 upon Ts and the band is from here to here, del T is equal to this 1 upon t still del 0, impulse strain means impulse situated at the, at point 0 and other places the impulse del should be 0, therefore del 0 means 1, 1 by Ts. डेल जीरो इज इक्वल टू जीरो मीन्स यूनिट इंपल्स हेयर बी यूज द इम्पल्स टेन इन विच यूनिट इम्पल्स हैज़ टू बी यूज़ ए एन इज इक्वल टू टू अ पॉइंट इर्स यू नो इन फोर एक्सपेंशन एक्सपेंसन वेन बी इंटीग्रेट दिस डेल्टी काट देन एंड फुट टी इज इक्वल टू जीरो एट यूनिट इम्पल्स फॉर यूनिट इंपल्स देन डेल जीरो इज इक्वल टू वन कास्ट जीरो इज इक्वल टू वन यू गेट टू बाई ट इयस सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट बी एन इज इक्वल टू यू गेट जीरो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं बस ये है कि कैसे कोई चीज़ आई है अगर पता होता है तो वो चीज़ फिर इजी हो जाती है तो जो फ्रियअर सीरीज एक्सपेंशन है इस तरह की कोई भी अगर इम्पल्सेज हैं वो रेगुलर टाइम इंटरपल पर हैं तो उनका फ्रियर सीरीज एक्सपेंशन हम इतना लिख सकते हैं वे आर एंगर फ्रीकुन्सी ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी एस इज इक्वल टू टू पाई एफ एस ओके नाउ यू सी दल्ड सिंगल जी वार्ट इज इक्वल टू जी टी डेल एस इज टू वन वाई टी एस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है जी टी को और डेल टी एस को जी टी तो इज लिखा है डेल्टी जो अभी फ्रीअर एक्सपेंसन है इम्पल टेन का उसे मल्टीप्लाई कर दिया है फूरियर ट्रांसफार्म जी ओ आर टी अब आपको फूरियर ट्रांसफार जो कि हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं फूरियर ट्रांसफार्म नहीं है तो आप उसकी बेसिक प्रॉपर्टी देख लीजिए हमसे अलग से पूछ लीजिए फूरियर ट्रांसफार्म जी ओ आर टी यहाँ टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करके चेंज कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है उसको यूज कर लेंगे यूजिंग फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो ये जो जी वार टी है इट चेंजेस टू जी कैपिटल जी इस्माल जी को कैपिटल जी नोटेशन है एंड टाइम चेंज टू एफ़ यहाँ पर जो टाइम है वो एफ हो जाएगा फ्रिक्वेंसी एंड एफ एस जो है वो एफ एस रहेगा फ्रिक्वेंसी में चेंज हो रहा है बट Whole expressions change to this, capital G and T converted to F minus NFS. NFS. This is the Fourier transform of this. What is this? This term having the different terms, different terms having frequency F plus. एफ एस एफ माइनस एफ एस एफ प्लस टू एफ एस एफ माइनस टू एफ एस एफ प्लस थ्री एफ एस एफ माइनस थ्री एफ एर्स देयर फोर बी कैन से इट स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पल्स इस सैम्पल्स का स्पेक्ट्रम है एक हमारे पास मैसेज था जी टी उस जी टी को हमने इम्पल्स टेन से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट में हमको बहुत सारे टर्म मिल गए ये सैम्पल्स हैं यही सैम्पलिंग थ्योरम है कि हमने एक मैसेज को बहुत सारे सैम्पल्स में डिवाइड कर लिया दिस इज द सैम्पलिंग थ्योरम एंड इसका फ्रिक्वेंसी इक्विवेलेंट है स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पल्सेज डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स इफ वी आर टू रिकॉन्सटेंट अब हम दूसरी भी बात कर ले हमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया पाना है यहाँ पर तो वहाँ की यहाँ पर आपने देखा सैंपलिंग थ्योरम में हम एक सिग्नल को एक मैसेज सिग्नल को कई सारे सैंपल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अब देखें इफ़ वी आर टू रिकॉन्स्ट्रक्ट जी हमें अपने मैसेज को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है सैंपल से फ्राम जी वार्टी मीन्स सैंपल्ड सिग्नल से हमको फिर से ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है इक्वेलेंटली इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन चाहे फ्रिक्वेंसी डोमेन में या टाइम डोमेन में बी शुड बी एबल टू रिकवर जी एफ फ्राम जी वर एफ यानी जी वर एफ से जी एफ पा लीजिए या जी आर टी से जी टी पा लीजिए तो आप ओरिजिनल सिग्नल को फिर से रिकवर कर लेंगे फ्राम फिगर इट इज क्लियर दैट दस रिक्वायर्स ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर दैन ओमेगाम आपको अभी पीछे जो फिगर दिखाया है हमने उसमें आपने देखा है कि इस तरह के इस तरह से ए आपका एक सिग्नल है और ए जो बैंड लिमिट है वो है ओमेगा एम अब दूसरा सिग्नल अगर आपको ए मिलता है इसका मिडिल पॉइंट है ओमेगा एस तो ए जो डिस्टेंस है वो होगी ओमेगा एस और ये छोटी सी डिस्टेंस है ए है ओमेगा एम अगर ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम आप करें तो आप ए पाएंगे इतना तो ओमेगा माइनस ओमेगाम जो है वो इक्वल हो या ग्रेटर हो ओमेगा एम के यानी ए जो डिस्ट ए तो है ओमेगा एम के बराबर हाफ जो है बैंड का तो ओमेगा एम से बड़ा ही हो ये डिस्टेंस अगर ऐसा नहीं होगा तो इस तरह से आपको ओवरलैपिंग मिलेगी अगर ए जो डिस्टेंस है अब मान लिया इक्वल हो गई ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इक्वल टू ओमेगा एम ओमेगा एस है और ए ओमेगा एम है यहाँ से यहाँ तक ओमेगा एम यहाँ से यहाँ तक ओमेगा एस इसमें से इसको सेपरेट करें तो ए जो बचा है वो किसके इक्वल है ओमेगा एम ठीक है तो टच करने लगे दोनों यहाँ पे जब अगर ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एम देन ए वाली आएगी फिगर अगर लेस हो जाएगा ए तो फिर ए यहाँ ओवरलैप करेगा इस तरह से फिगर कुछ बनेगा ए ए ओवरलैप ओवरलैपिंग होगी तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं आलियाजिंग इफेक्ट है दोनों ओवरलैप करेंगे तो फिर ठीक नहीं है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ओमेगा एम अगर इक्वल टू है देन देन जस्ट दो हमारे सिग्नल के बैंड टच करेंगे अदरवाइज नहीं तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एम अगर ओमेगा एम को हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे देन ओमेगा एस जो है शुड बी ग्रेटर देन टू ओमेगा एम एम को एक इंग्लर फ्रिक्वेंसी है कन्वर्टेड इनटू लिनियर फ्रिक्वेंसी देन एफ एस ग्रेटर देन टू एफ एम दस एज लॉन्ग एज द सैम्पलिंग फ्रिकुंसी एफ एस सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हाउट डू यू मीन बाई सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी द रेट एट विच दैंपलिंग हैजी डन जिस रेट से सैंपलिंग हो रही है यानी एक सेकेंड में एफ एस सैंपल कर रहा है एफ एस सैंपल हो रहे हैं एक सेकेंड में वही सैंपलिंग इज ग्रेटर देन टाइस द सिग्नल वैंड विथ एफ एम देन जी वार एफ मीन्स सैंपल्ड स्पेक्ट्रम बिल कंसिस्ट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रेपटीसन्स ऑफ जी एफ़ तो ये जो हमारा जी एफ था इसके नॉन ओवरलैपिंग रेपटीसन्स तभी होंगे जबकि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एम आर इक्वल टू ओमेगा एम. तभी नॉन ओवरलैपिंग रेपटीसन होंगे जी एफ़ के जी आर एफ में द मिनिमम सेम्पलिंग रेट एफ एस इज इक्वल टू टू एफ एम रिक्वायर्ड टू रिकवर जी टी फ्राम इट सैंपल जी टी इज कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो कि जरूरत है रिकवर करने के लिए फिर से इसके सैम्पल से मैसेज सिग्नल को वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या होगी एफ एस इज इक्वल टू टू एफ एम ए क्या है ए है नाइक्विस्ट रेट फॉर जी टी मैसेज के लिए एंड द करस्पॉन्डिंग सैंपलिंग इंटरवल और दोनों के बीच का टाइम क्या होगा सैम्पलिंग इंटरवल टी एस इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ एम कॉल्ड नाइक्विस्ट इंटरवल तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर कि इसका प्रूफ हो गया है सैम्पलिंग थ्योरम का सैम्पलिंग थ्योरम जो है एक तो हम किसी मैसेज सिग्नल को उसके सैम्पल्स में कर सकते हैं रिप्रेजेंट तो वो आपने देख लिया फिर दूसरा आपने इस जो आपका फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल आपने बनाए तो आपने वहाँ पर देखा कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एम, तभी रेपटिशन हो सकता है नॉन ओवरलैपिंग बैंड लिमिटेड सिग्नल का अदरवाइज नहीं तो यही प्रूफ है इसका और ये कंप्लीट आप कर लीजिए सैम्पलिंग थ्योरम का तो ठीक है बच्चों आगे हम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है धन्यवाद